कल चिराग पासवान झारखंड में पहुंचते हैं। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर चिराग पासवान का जबरदस्त स्वागत होता है लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसके बाद चिराग पासवान रजरप्पा जाते हैं। रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका जी का दर्शन करते हैं चिराग पासवान, उनके साथ जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत कई लोजपा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहते हैं। और चिराग पासवान का यह दर्शन, जो कि इसके बाद चिराग पासवान झारखंड के अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ चिराग पासवान की बैठक होती है, उस बैठक में कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए बहुत ही बड़ी रणनीति बनी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अक्षय पासवान और आप एलजेपी बिहारी चैनल देख रहे हैं। चिराग पासवान का लगातार तूफानी दौरा चल रहा है, बिहार नहीं देश पर और विदेशों के कई भ्रमणों पर चिराग पासवान जा चुके हैं। इसके बाद चिराग पासवान का 2024 लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाला है। साथियों चिराग पासवान आज नवादा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करें, अब से कुछ ही देर बाद चिराग पासवान वहां पहुंचने वाले हैं, तो वहां की तस्वीर आप सबको मैं दिखाऊंगा। लेकिन कल का चिराग पासवान का झारखंड दौरा यह राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत मायने रखता है साथियों, क्योंकि चिराग पासवान का झारखंड एयरपोर्ट पर जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ, इसके बाद चिराग पासवान रजरप्पा जाते हैं, माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करते हैं, इसके बाद चिराग पासवान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथियों चिराग पासवान ने 2024 लोकसभा को मद्देनजर देखते हुए पार्टी का झारखंड में संगठन मजबूत करने को लेकर पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकातें हुई, इस विषय पर बातें हुई। जिस तरीके से बिहार में लोजपा का संगठन काफ़ी मजबूत हो गया है, उसी तरह चिराग पासवान झारखंड में भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत करना चाहते हैं अपने पार्टी का। तो अभी के लिए इतना ही, मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं एलजेपी बिहारी चैनल। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय बिहार।